स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है ना तू? नहीं, कोने में लग गया। हो गया? हो गया? आपने लगा दिया माला? पता चला? नहीं। बेटी की शादी होकर ससुराल चली गई, पर तू बची रही। बा, आपने ऐसा बोला था ना कि जो जिसका काम होता है उसको ही करना चाहिए। तो अभी मेरे जूते लाने का काम इन लोग का था, तो आपने नहीं किया, लेकिन इन लोग ने भी नहीं किया। और आपका काम सिर्फ किचन संभालने का है ना, तो फिर आप इनको मलम क्यों लगाती हैं? आज का दिन तो अच्छा ही अच्छा जा रहा है। सुबह रॉयल ब्रेकफास्ट, अभी रॉयल लंच। अरे ये रॉयल लंच तो गट्टू के फर्स्ट आने की खुशी में है। गट्टू फर्स्ट आ गया, वो भी बिना रेस में दौड़े। अरे बच्चों के साथ ट्रायल रेस में फर्स्ट आया मेरा गट्टू। अरे वाह वाह गट्टू वाह। और अभी मैंने थोड़ी मेहनत की तो मैं फर्स्ट आया हूँ, अभी मैं और भी मेहनत करूंगा तो मैं सेकंड भी आ जाऊंगा। गट्टू भाई ने जो किया और ये रेस में जीत जाएंगे उस खुशी में मुझे कुछ कहना है। हाँ तो ये जीत जाए तब कहना। नहीं, तब तो जीत की खुशी में सब गट्टू भाई को गले लगा रहे होंगे, तो मैं जो बोलूंगी उस पे किसी का ध्यान नहीं रहेगा, और जब समय निकल जाएगा तो फिर बोलने का फायदा क्या। इसलिए मुझे अभी कुछ कहना है। मैं बाजरा पिसवाने गई थी तो रास्ते में मुझे सुनीता बेन मिली। सुनीता बेन जो बहुत मोटी। हाँ हाँ हमें पता है सुनीता बेन मोटी है। आगे बोल। तो मोटी है नहीं बा, तो मोटी थी, अब इतनी इतनी पतली हो गई है वो। पहले तो मैंने पहचाना ही नहीं, फिर ध्यान से देखा कि उनकी एक आईब्रो नहीं है, तो पता चल गया कि ये अपनी सुनीता भी नहीं है। एक मिनट, उनकी एक आईब्रो नहीं है। एक मिनट, जरा मैं। अरे मोटा भाई, आप क्या डिटेल जानने के लिए डायरी खोलकर बैठ गए? ये डिटेल बताने के लिए और डिटेल में जाएगी। नहीं नहीं प्रवीण भाई, मुझे पता है कि मुझे गट्टू भाई की तारीफ करनी है और मैं इधर उधर की बात में समय बर्बाद नहीं करूंगी। हाँ तो आगे बढ़। सुनीता बहन मोटी से पतली हो गई, अब उसके आगे जो आगे बा। एक मिनट बा, सुनीता बहन ऐसे ही मोटी से पतली नहीं हो गई, पहले मीनाक्षी भाभी ने देखा कि उनकी एक आईब्रो नहीं है, उसके बाद वो पतली हो गई है ना मीनाक्षी भाभी। एक मिनट मीनाक्षी, कौन सी आईब्रो नहीं है, राइट या लेफ्ट? वही तो बा। नहीं गट्टू तो चुप हो जा, और अरविंद अब तू एक भी सवाल नहीं पूछेगा, और मीनाक्षी तू फटाफट अपनी बात पूरी कर। सुनीता बेन पतली हो गई, आगे बोल। जो आ गया बा। फिर मैंने सुनीता बेन से पूछा, अरे सुनीता बेन आप इतनी पतली कैसे हो गई, डाइटिंग? तो बोली नहीं, जॉन्डिस। तो मैंने पूछा बाहर की पानी पूरी खा के ना? तो बोली नहीं, बाहर की रगड़ा पेटिस खा के। तो मैंने पूछा चमन रगड़ा पेटिस सेंटर? तो बोली नहीं। मीनाक्षी बेटा, गट्टू, गट्टू कहाँ है पूरी बात में? हाँ बाप, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। अच्छा, फिर सुनीता बहन ने मुझे कहा कि मीनाक्षी मैंने कसम खा ली कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, और सचमुच उन्होंने 3 महीने से बाहर के खाने को हाथ तक नहीं लगाया और इतनी पतली हो गई। वाह वाह वाह, मैं तो ये सलाह मेरे बॉस को भी दूंगा, क्योंकि उनका भी आजकल वजन नजर आ। मीनाक्षी, गट्टू की तारीफ कहाँ हुई पूरी बात में? क्या माना के पापा, आप समझे नहीं। वो जैसे सुनीता बेन ने अपनी कड़ी मेहनत से बाहर का खाना नहीं खाने में सफलता प्राप्त की, वैसे ही अपने गट्टू भाई अपनी कड़ी मेहनत से कल रेस जीत जाए, उसके लिए मैं मीनाक्षी सुबोध ठक्कर अपनी कड़ी मेहनत से उनको अभी से ही अभिनंदन देती हूँ। बस हो गया, हो गया। मेरा भी हो गया गट्टू। बस अभी नहीं खाने का है मुझको बाबा। अरे बेटा बहुत मेहनत कर रहा है,
और भूखा भी रह रहा है, और आज तो फर्स्ट आया है ना, तो तू थोड़ा ज्यादा खा सकता है। खा सकता हूँ? नहीं नहीं बात, इसे ज्यादा खाने के लिए मत कहिए, वैसे ही अपना खाना इतना हेवी होता है। पर आज मैंने हेवी खाना नहीं बनाया है, और खास करके गट्टू के लिए स्पेशल डाइट फूड बनाया है, जैसे बॉइल वेजिटेबल, ये ककड़ी का रायता, पालक सूप, स्प्राउट और सावधान की रोटी, और गट्टू के लिए स्पेशल दूधी का हलवा। शक्कर नहीं डाली है, अंजीर और जर्दालू से मीठा बनाया है। वाह, ना ही बा जैसा कोई बन सकता है, ना ही बा जैसा कोई खाना पका सकता है। है ना? खा खा तू गट्टू, तू खा। लीला भाभी, गट्टू शांति रखो एक मिनट। लीला भाभी, बाने है ना मेरे लिए डांट फूड बनाया है। पहले मैं बाकी डांट खाता था, अभी डांट फूड खा रहा हूँ। मस्त है, और अभी है ना वो डांट फूड खा के मैं जीत जाऊंगा। और फ्रेंड ऐसे बोलते हैं कि मैं जीत जाऊंगा ना तो तीन लोग हारने वाले हैं। लेकिन कौन तीन लोग हारने वाले ना वो नहीं बोला। तुम लोग को मालूम है कौन तीन लोग हारने वाले हैं? गट्टू जा खाना पूरा कर। खाना पूरा करना चाहता। लीला गुड़िया थैंक यू, आज एक अरसे बाद तुम लोगों की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊं। देख कितने खुश है। थैंक यू बड़ा भाई। गट्टू इनका बचपन और मेरे वो पुराने दिन तुम लोगों ने लौटा दिए। थैंक यू। हार जीत तो होती रहेगी, दो रोटी और 12 हाथ सुना है ना तुम लोगों ने, आओ आज उसमें शामिल हो जाओ। गट्टू सो जा। नींद आ रही है मुझको, चलो इना। अरे सुबह उठ के तुझे प्रैक्टिस करनी है, रेस में जीतना है ना। हाँ। सो जाओ। अच्छा सो। इना मीना, मीना लीला, मेरी डायरी नहीं मिल रही है, और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी पेन का रिफिल खत्म होने को है, नया रिफिल ला के रखना, वो भी नहीं किया तुमने। मुझे आज मेरी डायरी कंप्लीट करनी है। लीला मैंने इसे कहा था कि मेरे कपड़े धोने डालना, तो इसने मेरे कपड़े कोने में डाल दिए। क्या है तू चुप रह गट्टू, हंस मत। मेरी वो चेक्स में चेक्स वाली शर्ट कहाँ है लीला, मिल नहीं रही मुझे, इस्त्री नहीं की अभी तक तुमने, मुझे कल पहननी है वो शर्ट। वो गुड़िया भी धो रही है। ओहो, गुड़िया इस वक्त कपड़े धोने बैठी है। अब वॉशिंग मशीन भी तो नहीं चल रही ना, तो सुबह से थोड़े थोड़े करके धो रही है कपड़े। लो बोलो, वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट पे आता है ये मैंने सुना है, लेकिन कपड़े भी इंस्टॉलमेंट में धोए जाते हैं ये मैंने पहली बार सुना। ठीक है ना तू? मैं कोने में लग गया। ये क्या किया आपने भाभी? बिरजू ने मुझे हेयर ड्रायर कितने प्यार से दिया था, अब देखकर नहीं चल सकती क्या? बेबी, तुझे हेयर ड्रायर के पड़ी है, उसे चोट लगी है, वो नहीं दिखाई देता तुझे। चल चल लीला, उठ उठ बेटा। लग गई है, दुख रहा है हाथ।
ठीक से बैठ जा। जोर से लगी है बा, मेरा हाथ टूट गया बा। बा, ये लो बॉन्डी स्प्रे। अरे ये स्प्रे नहीं बेटा, प्रवीण पर कबाट गिरा था और उसके पैरों में चोट आई थी, तब जो स्प्रे लगाया था याद आया। जल्दी आइए, देखिए ना प्रवीण पर अलमारी गिरी। जैसे कृष्ण प्रवीण भाई। कैसे हुआ ये? मुझे मालूम है, मैं बोलूं? प्रवीण भाई है ना, उनको बहुत ठंड लग रही थी ना, तो वो अलमारी ओढ़ के सो गए ऐसे ऐसे। चल उठा उठाओ। अच्छा अच्छा, ये मीनाक्षी ये कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया बा, प्रवीण भाई अलमारी खोल रहे थे। मीनाक्षी वो सब बाद में बताना, इन लोगों का ध्यान मत बटा, पहले अलमारी उठाओ। लेकिन प्रवीण तुम मीनाक्षी की अलमारी क्यों खोल रहे थे? चोरी चोरी कर रहे थे हैं? ए प्रवीणा, इतना भी बेशरम नहीं हूं मैं। ए मेरा बैट। याद आया याद आया, वो लेके आओ और साथ में मरहम भी लेके आ जा। दुख रहा है बा, दुख रहा है। ये क्या कर रही है बा? मत करिए। अरे मिट्टी साफ कर रही है। मलमल खराब हो जाएगा ना बा। खराब होने के लिए ही बिछाया था, आज सर में तेल डाला है ना, तो तकिए के कवर पर तेल के धब्बे न पड़े इसलिए बिछाया था। तेल के धब्बे निकालते निकालते तुझे और गुड़िया को ही तकलीफ होगी, हाथ दुख जाएंगे। दर्द हो रहा। गुड़िया साइड में। ये देखो, ये वो बॉन्डी स्प्रे नहीं है, ये स्प्रे चाहिए था ना। और ये मलमल, अरे मलम। ये नहीं बाबा, बहुत जलन होती है। कुछ दर्द नहीं होगा। नहीं बाबा प्लीज, नहीं नहीं नहीं। चुप, लगा नहीं दे। नहीं बाबा नहीं। लीला, बेबी को, बेबी को देख, वो हेयर ड्रायर को लेकर कब से रो रही है। अब 2 दिन तक इसका शोक चलेगा, शायद शोक सभा भी रख ले। हो गया? हो गया? आपने लगा दिया मला? पता चला? नहीं। बेटी की शादी होकर ससुराल चली गई पर तू बच्ची रही। बा, आपने ऐसा बोला था ना कि जो जिसका काम होता है उसको ही करना चाहिए, तो अभी मेरे जूते लाने का काम इन लोग का था तो आपने नहीं किया, लेकिन इन लोग ने भी नहीं किया, और आपका काम सिर्फ किचन संभालने का है ना, तो फिर आप इनको मलम क्यों लगाती हैं? बेटा, जब अपनों को चोट लगती है तो उसके जख्मों पर मरहम लगाना घर के हर सदस्य का काम है। हो गए, जा, अब जाके सो जा। और हाथ सीधा रख ना, ऐसे सीधा रख। सीधा लीला, हड़बड़ी से कोई काम मत कर, शांति से। गुड़िया तू भी, अगर तुम लोगों से कोई काम नहीं होता है तो मुझे एक आध काम सौंप दो, किचन से मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना। जब तक वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं हो जाता, कपड़े धोने में मैं मदद करूंगी। थैंक यू बा। अरे लीला कहाँ रह गई? चुप! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।